उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक छात्र के साथ रैगिंग करने के आरोप में कॉलेज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 44 वरिष्ठ छात्रों पर भारी जुर्माना लगाया है, जबकि एक आरोपी छात्र को छात्रावास से निष्कासित कर दिया। खबरों में रहने वाला हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज इस बार फिर से रैगिंग को लेकर चर्चा में है और इस बार MBBS द्वितीय वर्ष के छात्रों पर कनिष्ठ छात्र के साथ वीडियो कॉल पर गाली गलौज करने और उसे मुर्गा बनाने का आरोप है। मामला 9 दिसंबर का बताया जा रहा है। उस पर यही होगा भाई, बाद में जब उसकी जो है पेरेंट्स अंडरटेकिंग देंगे कि इसे नहीं करेगा करेगा, अगर आगे कुछ करते हैं तो फिर इससे आगे जो है, क्योंकि पनिशमेंट बहुत ज़्यादा भी हैं, इससे आगे भी जा सकते हैं, उस एकेडमिक सेशन रोक सकते हैं, सेमेस्टर से बाहर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो तो कई प्रोविजंस हैं। लेकिन अभी चूंकि ऐसा इवेंट नहीं है कि इतना वो कोई फिजिकल हुआ कुछ, वो सभी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो यही अपने आप में काफ़ी एग्जाम्पलरी होगा। भले पेरेंट्स कहते हैं आपने बहुत ज़्यादा फाइन कर दिया, ये हो गया, हम कहाँ से पैसा लाएंगे, लेकिन हमने कहा इसमें चूँकि जीरो टॉलरेंस है तो इसमें दे कैन बी नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। और इसमें सभी दोनों जो ईयर के बच्चे थे उनसे बातचीत की गई और उसमें चूंकि सामूहिक रूप से ये निष्कर्ष निकल के सामने आया कि प्रत्यक्ष रूप से कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन मोबाइल पे अगर वीडियो कॉल पर भी किसी तरीके का कोई भी इस तरीके का शब्द कहा गया है जो कि एक बच्चे को बुरा लगा है, तो उसके क्रम में पूरे क्लास पर पेनल्टी लगाई गई है 25,000 की। और जिस पर वीडियो कॉल जिसके फ़ोन पर आई थी, मतलब जिसने वीडियो कॉल करी थी, उसे 50,000 का दंड लगाया गया है।